नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा माफियाओं की कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में चिन्हित माफिया और उसके सहयोगियों की पहचान की जा रही है। वो जिन मुकदमों में चार्जशीट है उन मुकदमों का ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा अपराध जगत से इनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको कुर्क करवाया जा रहा है। इसके अलावा इनके द्वारा यदि अन्य संपत्तियों को अपने सहयोगियों के नाम खरीदा गया है तो उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। और सरकारी भूमि पर जिन लोगों द्वारा कब्जा किया गया है उसकी जांच की जा रही है, उसको कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो चिन्हित माफिया हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और कोई भी अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा ना कर सके, इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। कि इसके अलावा अपराधियों की हिस्ट्री शीट व गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 5 महीनों में 95 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज करके संपत्ति जब्त की जा रही है और जिनका वारंट निकला हुआ है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए शासन के निर्देशों के क्रम में संगठित अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक सतत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में विभिन्न स्तरों पर चिन्हित माफिया और उनके सहयोगियों की पहचान की जा रही है। जिन जिन मुकदमों में वो पहले से चार्जशीटेड हैं उन मुकदमों की ट्रायल को भी सुपरवाइज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपराध जगत से जो उनके द्वारा धन अर्जित किया गया है, संपत्ति अर्जित की गई है, उसको पूर्व में भी भारी मात्रा में उसको कुर्क कराया गया है। इनकी और संपत्तियां और छद्म नाम से या अपने सहयोगियों के उस नाम से अगर इन्होंने कोई संपत्ति खरीदी है उसकी भी जानकारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अवैध निर्माण किए गए हैं, सरकारी भूमि पर कब्जे किए गए हैं, उस संबंध में भी सभी विभागों के साथ समन्वय बैठा करके उसकी भी जांच की जा रही है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेकर के विशेष रूप से जो चिन्हित माफिया हैं, चाहे वो शासन स्तर पे हों या जोन और रेंज स्तर पे चिन्हित माफिया हों, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा अपराधी इस तरह से माफिया के रूप में पनप ना सके या उसके द्वारा धन अर्जित या संपत्ति अर्जित ना की जा सके, इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में इस तरह के अपराधियों के पनपने से रोकने के लिए हिस्ट्री शीट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। नई नई हिस्ट्री शीट्स खोली जा रही हैं। इसी वर्ष 2023 में पहले 5 महीनों में ही 95 हिस्ट्री शीट्स खोली गई हैं, गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, संपत्ति जब्त की गई है। ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकले हुए हैं या जिनके खिलाफ कोई इनाम है उसके लिए भी टीम लगी हुई है, जल्द ही उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।